दोस्तों अपनी लंबी चोंच की मदद से ये पक्षी किसी भी जानवर पर हमला कर देते हैं। पेलिकन नाम से जाने जाने वाले इस पक्षी को पक्षियों की दुनिया का मगरमच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि ये पक्षी मगरमच्छ की तरह कुछ भी खा लेते हैं। दरअसल पेलिकन के गले और निचले चोंच के नीचे एक थैली बनी होती है। जब भी पेलिकन किसी भी जीव का शिकार करता है तो उसे वो अपनी गले की थैली में रख लेता है और बाद में उसे खा जाता है। दोस्तों पेलिकन को लगता है कि वो अपनी बड़ी चोंच से कुछ भी खा सकता है, लेकिन असल में उसके गले की थैली काफी नाजुक होती है, जो कि कई बार शिकार करते वक्त नीचे से पड़ जाती है। पेलिकन मछलियों का शिकार तो आसानी से कर लेता है, लेकिन ये कछुए का शिकार करने के चक्कर में अपनी चोंच तुड़वा लेता है। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि कछुए की सेल काफी मजबूत होती है, जिसका शिकार करते समय पेलिकन की निचली थैली में छेद हो जाता है, और पेलिकन की थैली में छेद होने का मतलब है कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाएगी। असल में पेलिकन इस थैली का इस्तेमाल खाना स्टोर करने के लिए नहीं करते, बल्कि पेलिकन जो भी खाते हैं उनकी थैली से होते हुए उनके पेट तक जाता है, और जब थैली में छेद हो जाएगा तो पेलिकन का सारा खाना बाहर गिर जाएगा और भूख से उसकी मौत हो जाएगी।